नमस्कार, देवभूमि के मेगा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देवभूमि में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनता के भाजपा के दृष्टि पत्र का विमोचन किया। जी हां, इस मैनिफेस्टो को नाम दिया गया है दृष्टि पत्र। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र कहा जा रहा है। बीजेपी कहती है कि पार्टी ने प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह पत्र जारी किया है। वहीं इससे उत्तराखंड का विकास निश्चित है। जैसा कि हर पार्टी अमूमन कहती है जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, वैसा ही बीजेपी भी कहती नजर आ रही है कि उत्तराखंड का विकास निश्चित है इस मैनिफेस्टो के द्वारा, ऐसा बता रही है। बता रहे हैं कि इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद दिखे। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड सुभाष गौड़ हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर मैनिफेस्टो क्या कुछ कहता है। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप उत्तराखंड की सियासत को बड़ा करीब से जानते हैं, समझते हैं, हर चीज को बारीकी से आप परखते भी हैं। तो सुभाष जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है तो ये तो यकीनन बात है कि ऐसा तो नहीं है कि वो ये कह दे कि हाँ ये छूट रहा है, ये पिछली दफा छूट गया था तो इस बार बटोर लिया है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, हर पार्टी कहती है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक वाला मैनिफेस्टो है, इसमें सब कुछ है, इसमें पूरा विकास जो है इस बुकलेट के अंदर ही अभी छिपा हुआ है। तो मैनिफेस्टो में आज बीजेपी ने जो सामने रखा है उसमें क्या कुछ दिख रहा है उत्तराखंड के लोगों को लुभाने के लिए, सबसे बड़ी चीज आपने क्या देखी है सुभाष जी? बिल्कुल, कहा जा सकता है कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है उसे लाने में लगभग बहुत देरी भाजपा ने की, और 2 फरवरी को कहा जा रहा था कि मैनिफेस्टो लाया जाएगा और जनता के समक्ष रखा जाएगा। एक बड़ा सवाल ये भी था कि 2017 में भाजपा सरकार बनने से पहले उन्होंने जनता से जो वादा किए थे, जो घोषणा पत्र वो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले लाए थे, उनको उनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट भी वो जनता के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि यही वजह थी कि शायद घोषणा पत्र को लाने में बहुत समय लग गया। लेकिन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र जनता के बीच रखा और ये कहा जा रहा है कि भाजपा का जो ये घोषणा पत्र है ये दूर दराज के उस व्यक्ति से भी उसका सुझाव मांगा गया है जहां तक अभी लोगों का पहुंचना मुश्किल है, यानी कि पहाड़ का वो दुरुस्त गांव जहां कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कतें हैं, जहां कई तरीके की परेशानी, उन लोगों से भी सुझाव मांगे गए कि आखिरकार वो किस तरीके का घोषणा पत्र चाहते हैं, और उसके बाद ये घोषणा पत्र बनाया गया। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण फोकस राज्य सरकार यानी कि भाजपा ने जो कोशिश की है वो की है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, और यही वजह है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जाए, ताकि मेडिकल कॉलेज बनेगा तो बच्चों को शिक्षा मेडिकल के स्तर पर बेहतर मिलेगी। लेकिन साथ ही मेडिकल कॉलेज बनने के साथ मेडिकल अस्पताल भी बनाए जाते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए भाजपा ने अपना जो संकल्प का पत्र जिसका नाम रखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए और बेहतर करने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए चारधाम परियोजना को विस्तृत करने की बात की गई, यानी कि उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चारधाम यात्रा यहाँ बहुत लोग करते हैं और चारधाम के नाम से उत्तराखंड प्रसिद्ध भी है, तो उसको विस्तृत करने की कोशिश भी यहाँ की गई है। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार को योग की राजधानी बनाने की बात की गई है भाजपा के द्वारा, और यही वजह है कि योग के नाम पर बहुत से लोग ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में पहुंचते हैं, तो योग की राजधानी बनाने की कोशिश भाजपा सरकार करेगी, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। जैसे कि मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की तो स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करेंगे। इसके साथ ही किसानों को 8,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात भाजपा ने करी, किसानों को भी देगी। और साथ ही साथ सुभाष ये भी कहा गया है कि जो परिवार की जो महिला मुखिया हैं उनको 500 रुपये दिए जाएंगे, हालांकि कंडीशन है कि निर्धन होना चाहिए परिवार, उसकी जो महिला मुखिया उनको 500 रुपये देंगे, तो ऐसे में महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश है। बिल्कुल, महिला वोटरों को भी साधने की कोशिश है। और ये जो महिलाओं को 500 रुपये देने की बात है वो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीपीएल धारक हैं, उन लोगों के लिए ये घोषणा बीजेपी करती हुई नजर आ रहा। कुल मिला के कहा जा सकता है किसानों को इस मैनिफेस्टो में जोड़ने की कोशिश की है, दूर दराज में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको जोड़ने की कोशिश की है, शिक्षा को बेहतर करने के लिए उसको जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भू कानून बनाने की बात लगातार भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोग करते आए हैं, तो भू कानून को लेकर भी एक
छोटा सा कैप्शन जरूर रखा गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोकायुक्त को लेकर इस मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं रखा गया, बल्कि 2017 के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि यदि सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, और लोकायुक्त अभी तक नहीं आया। लेकिन इस मैनिफेस्टो में लोकायुक्त को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं रखा गया, लेकिन ये है कि जनता से जोड़ने की कोशिश की गई है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने की कोशिश की है, शिक्षा बेहतर करने की कोशिश की, चार धाम मार्गों को बेहतर करने की कोशिश की, चार धाम परियोजना को और बेहतर करने की कोशिश की है, किसानों को साधने की कोशिश की, गरीब महिला गरीब परिवार के लोगों को साधने की कोशिश की है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो बात भाजपा कह रही कि 2025 तक हम प्रदेश को एक अलग राज्य के तौर पर भारत में दिखाने की कोशिश करेंगे, अलग राज्य के तौर पर उत्तराखंड नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो में वो उसको दर्शाने की कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैनिफेस्टो में दिखा रहे हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, बीजेपी हर जगह एक महिला सुरक्षा का दम भरती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। ऐसे में अभी मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं के थाने डबल करने की बात की जा रही है, महिला थाना जो है उनको डबल करने की बात की जा रही है, कितना प्रैक्टिकल है ये? बिल्कुल, लव जिहाद पर रोक लगाने के साथ ही महिला जो थाने उनको डबल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश राज्य सरकार में की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं रोजगार की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं कि रोजगार को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जो पलायन लगातार पहाड़ों से हो रहा है उन पलायन को रोकने की कोशिश करेंगे और लोगों को पहाड़ में ही रोजगार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पहाड़ भी है, मैदान भी है, नदी भी है और सूखा भी है, तो तमाम चीजें देखने की कोशिश की जा रही है। किसान भूल क्षेत्र भी है, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, तो किसानों को साधने के साथ साथ पहाड़ के लोगों को भी साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, और उनके जो मैनिफेस्टो है उनमें तमाम वो चीजें नजर आ रही हैं जो उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। लेकिन ये कब तक पूरा होता है, और यदि उनको फिर से सरकार बनाने का मौका मिलता है तो क्या 2022 में जो जीत कर वो मैनिफेस्टो लाएंगे, यानी मैनिफेस्टो की जो बातें वो रख रहे हैं वो मैनिफेस्टो उनकी सरकार में पूरा होता है नहीं होता, ये भी देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि 2017 का जो मैनिफेस्टो था उसमें से कहीं ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुभाष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इसको नाम दिया गया है दृष्टि पत्र, जो दृष्टि है कि क्या है अगले 5 साल किस तरीके से बीजेपी उत्तराखंड में काम करने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ पॉइंट्स अगर समझाएं तो निर्धन परिवारों की महिला मुखिया जो है उनको 500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि, प्रमुख औद्योगिक शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए 10 नए महिला आवास, राज्य भर में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 500 रिपोजिट का विशेष कोष, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लव जिहाद कानून को और कठोर बनाया गया, ऐसा इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है। जैसा कि अभी सुभाष भी बता रहे थे, महिला थानों की संख्या को डबल करना है, 100 महिला पेट्रोलिंग कारों की शुरुआत, ये महिला सुरक्षा की अगर नीति के तौर पर देखें तो अच्छी एक विशेष एक अलग से बात देखने को मिली है पहली दफा किसी मैनिफेस्टो में। साथ ही साथ उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 3 नई सशस्त्र पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। कृषि की बात करें तो किसानों के लिए कुल 8,000 रुपए की सहायता राशि, सीएम किसान प्रोत्साहन निधि के अंतर्गत 2,000 की अतिरिक्त सहायता, उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 के प्रावधानों को कठोर बनाने का काम करेंगे, उत्तराखंड के हर ब्लॉक में किसान मंडी की स्थापना, पशुओं के कारण होने वाले फसल नुकसान को कम करना, ये कुछ बातें हैं जो घोषणा पत्र में लिखी हुई है। साथ ही साथ अगर ग्रामीण इलाकों के विकास की बात करें तो स्मार्ट विलेज कार्यक्रम 2025 तक हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक एटीएम, सुसज्जित सामुदायिक और मनोरंजन केंद्र, पीएम वाणी योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में वाईफाई, ये सब कुछ मैनिफेस्टो में लिखित है। तो आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया है उसमें इन सब बातों का उल्लेख किया, साथ ही साथ खेल को लेकर भी लिखा हुआ कुछ दिखाया, उसमें सशक्त खेल भूमि, ब्लॉक ओवर खेल प्रतिभा चिन्हीकरण और ट्रेनिंग एकेडमी की बात की गई है। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है उसकी हम जानकारी आपको दे रहे थे कि क्या कुछ मैनिफेस्टो में है और चुनावों में इस मैनिफेस्टो को लेकर अब बीजेपी उतर चुकी है। तो फिलहाल रुकेंगे यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के मंडल घाटी के सगर गांव निवासी सेना के जवान गजेंद्र सिंह नेगी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बुधवार को सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर सगर गांव पहुंचे। शहीद सैनिक का शव जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शनों के बाद पार्थिव शरीर का पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा।
वहीं उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा विधानसभा के धौरा डाम क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई विभाग की सभी भूमि उत्तराखंड सरकार के नाम होने वाली है। अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम धौरा डाम क्षेत्र के आसपास बसे सभी गाँव को राजस्व ग्राम का दर्जा देंगे, जिससे आपकी जमीन पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। उन्होंने कहा धौराडाम जलाशय का सौंदर्यीकरण कर क्षेत्र के विकास को गति देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाली 14 तारीख को कमल के निशान का बटन दबाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार दोबारा बनवाएं, ताकि क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला की मौजूदगी में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस बसपा एवं आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़कर भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया है। हाँ, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है और सरकार फिर से आने जा रही है और जिस प्रकार से लोगों का आज उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद जनता दे रही है, माताओं बहनों का है, बुजुर्गों का है, नौजवानों का है और बच्चों का उत्साह भी, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले और प्रचंड बहुमत की। और अब की बार हमने नारा दिया, अब की बार 60 पार, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से नारा हमारा पूरा हो रहा है। अगर बात की जाए आपने के एक तरफ जहां जी के नेतृत्व में आज देश का समग्र विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने उसमें एजेंडे में रखती है कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तुष्टिकरण है वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट लेने उत्तराखंड के अंदर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वही लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के राजीव नगर घोड़ा नाला निवासी बिंदु खत्ता भाजपा महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष पद्मा बसवाल व मंडल मंत्री नीलम नेगी ने संयुक्त रूप से अपनी दर्जनों महिला भाजपा सदस्यों के साथ भाजपा से इस्तीफा देकर लालकुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन देते हुए कहा कि भाजपा ने कार्यकर्ताओं की भावना के विपरीत लालकुआ विधानसभा सीट पर टिकट का वितरण किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दिया जो पहले से ही पार्टी से बगावत कर चुका है, जिससे आहत होकर आज हम सब लोग भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। यहां बिंदुखत्ता क्षेत्र के घोड़ा नाला, राजीव नगर, तिवारी नगर, शांति नगर, संजय नगर, हल्दू चौड़, बच्ची धर्मा, बंजरी कंपनी बंगली कॉलोनी में निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान ने भारी बारिश के बीच आज अपना ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया। इस दौरान राजीव नगर घोड़ा नाला में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिंदुखत्ता भाजपा महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष पद्मा बसवाल एवं मंडल मंत्री नीलम नेगी ने संयुक्त रूप से अपनी दर्जनों महिला सदस्यों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान को समर्थन देते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा सरकार से बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों छोड़ें? हमें उनके कार्यकलाप पसंद नहीं आए और उन्हें बहुत तंग करके रख दिया। किसको समर्थन दे रहे हैं आज? हम पवन चौहान जी को। तो उनको समर्थन करेंगे? हाँ जी। वही दर्शकों, सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों के पहले की बर्फ अभी तक पिघली भी नहीं, फिर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई है और ठंड बढ़ने से लोग बढ़ गए हैं ठंड बढ़ गई है। जहां एक तरफ पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश अस्पताल प्रशासन ने जनरल ओपीडी सुविधाएं मंगलवार को फिर से बहाल कर दी हैं। गौरतलब है कि लगातार बढ़ते कोविड-19 संक्रमण व संस्थान के कई रेजिडेंट्स डॉक्टरों नर्सिंग ऑफिसरों के संक्रमित होने के चलते बीते माह 24 जनवरी को एम्स में जनरल ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी, जबकि एम्स अस्पताल की ओर से सामान्य स्तर के मरीजों को टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श दिया जा रहा था। इस मध्य एम्स अस्पताल प्रशासन की ओर से इमरजेंसी सेवाएं, ट्रॉमा सेवाएं और रेडियोथेरेपी से संबंधित सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखा गया था। वह
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ मंगलवार को ऋषिकेश पहुंचे हैं। उन्होंने रेलवे रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश के भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जुबानी हमला किया। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कारनामे किसी से छिपे नहीं है। ऋषिकेश की मीडिया ने कई बार इस संबंध में खबरें प्रकाशित की हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती दी कि वह शहर में किसी भी चौराहे पर कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरवीर सिंह सजवान से डिबेट कर ले। शहर के डेवलपमेंट पर चर्चा करते हुए किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष जीत नहीं सकते। उन्होंने दावा किया है कि ऋषिकेश तो छोड़िए, पूरे उत्तराखंड के अंदर 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे तो भाजपा के इतने विधायक जीतेंगे जो केवल एक इनोवा में सवार होकर घर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आस्था के जितने भी जगह हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त बनाना कांग्रेस की प्राथमिकता में शामिल है। जो लोग खुद को कांग्रेसी मानते हैं और वह वर्तमान समय में कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर गांव हर द्वार स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का हमारा तीसरा काम हो गया और हमारा चौथा और अंतिम काम है वो आज की जो हमने बुकलेट रिलीज करी इस पे 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रण है। पहले साल में 57,000 उत्तराखंड सरकार की। वहीं आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने लालकुआ विधानसभा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आने के बाद एक हॉट सीट बन गई है, लालकुआ विधानसभा का माहौल जाना। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और अब ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि हरीशचंद्र दुर्गापाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जीत दिलवा पाते हैं या नहीं। इसको लेकर बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अजीत ने, इसको रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड की राजनीति के लालकुआ में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है रावत जी को, इनसे बात कर रावत जी किस तरह का समर्थन मिल रहा है। पार उत्साह है और लोग बना चुके हैं परिवर्तन सरकार बनानी है रखेंगे। काम क्या है करेंगे, झूठे वादे नहीं। रावत जी, किसान, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ की जनता आपको चुनती है तो किसानों के लिए पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? किसान हमारे किसानों के गन्ने का सर्वाधिक मूल्य देंगे और बकाया है उसका भुगतान करेंगे, बीज बदल के कार्यक्रम को चलाएंगे और खेती को बहुउपयोगी बनाने के लिए हम कई तरीके के वैज्ञानिक शोधों के आधारित कुछ योजनाओं को लागू करेंगे। गन्ने किसान से लेकर के मडुआ किसान, मतलब सिंचाई आधारित से लेकर वर्षा आधारित खेती तक के बीच में एक समन्वय स्थापित करेंगे। युवाओं का, युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है, युवाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? हम जितने रिक्त पड़े हुए सरकारी पद हैं सबको भरेंगे और हमने कहा है 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कहेंगे, महिला मात्र शक्ति जो है आपकी तरफ बहुत आस लगाए हुए हैं। उत्तराखंड को महिला स्वयं सहायता समूह को माध्यम बनाकर, महिला मंगल दलों को माध्यम बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल बनाएंगे, आर्थिक सशक्तिकरण का मॉडल बनाएंगे। रावत जी का साफ तौर से, यदि रावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड के तो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए जो भी विकास कार्य है वो करने की कोशिश। तो देवभूमि के इस मेगा बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।